काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। अगर आपको याद हो कि हमने इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाया था एलसीआर में, कॉस फाई आर जेड ये बनाया था। पावर फैक्टर होता क्या ये समझ लो, एवरेज पावर का ये फॉर्मूला किया, इस टर्म को बोलते हैं एवरेज पावर, इसके मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं वर्चुअल या अपरेंट पावर, और इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कॉस फाई, इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर इज कॉस फाई। पावर फैक्टर निकालने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, तुम्हें न्यूमेरिकल में ये गिवन होगा, गिवन होगा, गिवन होगा, पावर फैक्टर पूछ लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा चलता है, इम्पीडेंस ट्राइंगल, कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर बाई जेड। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला नोट कर लो, आर बाई जेड, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आर बाई जेड। तो पावर फैक्टर इज आर बाई जेड इन एलसीआर सर्किट। कैसे काम आएगा डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, पावर फैक्टर की वैल्यू बताओ प्योर रेजिस्टर में क्या होगी। प्योर रेजिस्टर में पावर फैक्टर फाई क्या होता है, जीरो। तो कॉस जीरो क्या आएगा, वन। पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टर का वन है। और इंडक्टर और कैपेसिटर में फाई क्या होता है, 90। तो पावर फैक्टर इसका क्या होता है, जीरो, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव।